स्वदेश यानी अपना देश, अपना हिंदुस्तान। इसकी छाव में बढ़े हिंदुस्तानियों ने पाई अपनी एक नई पहचान। जब आया पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति, जहां अमीरी गरीबी और भाषा से पहले हुनर की बारी आती है, और जहां मौका पहुंच से नहीं बल्कि हौसले से मिलता है। हिंदुस्तान के दिल में जीता एक और हिंदुस्तान। हर रंग में भारत है, हर ढंग में भारत है, हम तुम में भारत है, इस मंच पे भारत है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, हम जीते ही यहाँ आए। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी मन की बात कह सकते हैं। जहाँ की फिजाओं में इस देश की मिट्टी की खुशबू है। अगर आप हमारे गांव चले जाते हैं तो हमारे गांव की मिट्टी धन्य हो जाएगी। मैं केबीसी के जरिए सभी हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। यहाँ अपनापन है, एक की कोशिश में लाखों युवाओं को जुड़ते हुए देखना है। यहाँ है संस्कृति। ये मेरा छोटा सा अपना घर है, यहाँ मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वो खुशहाल होकर के जाएं। यहाँ है हर धर्म सुरीले गीत। धन बरसे भीगे ये दिल वाले, धन बरसे मीठे बोल। क्या खूब उनकी आंखों में चमक देखी, हर सूरत में उनकी झलक देखी। अचानक दिल बेकाबू होकर रोने लगा जब मैंने बच्चन जी की आंखों में अपनी तस्वीर देखी। और रिश्तों के रंग। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की वजह से पति पत्नी के बीच में जो भी तनाव था वो अब दूर हो गया है। कर्मों की जन्मभूमि है यहाँ। यहाँ अनजानों से अनजान जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ इंसान से इंसान जुड़ते हैं। केबीसी इज माय ड्रीम। ये जगह है ना, ये सौर मंडल से कम नहीं है। जो पैसे जीतूंगा तो मैं गाँव में एक स्कूल खोलना चाहूंगा। जीत की उम्मीद है यहाँ। केबीसी के आने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं फिर से चलना चाहता हूँ। मंजिलों के सपने यहाँ। कंप्यूटर जी ने आपका एक घर बनवा दिया। थैंक यू कंप्यूटर। मेरा ये सपना है एक दिन मैं अपना खुद का बिजनेस सेट कर पाऊँ और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकूँ। हर मजहब का इंसान, हर त्योहार का जश्न यहाँ। यहाँ जब एक आम आदमी की सफलता पर तालियां गूंजती हैं, वो हमारे लिए दिवाली के पटाखों से बढ़कर होती है। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। कौन बनेगा करोड़पति?